अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे आपसे एक छोटी सी बात करनी है, और आज की जो छोटी सी बात है वो आजकल के अजीबोगरीब हालात के बारे में। जैसे कभी हम किसी खातून को देखते हैं कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट सी जगह पर, जहाँ पर कश्मीर की बात होनी चाहिए, जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैसले होने चाहिए, वहाँ पर वो टिकटॉक वीडियोस करती है। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट हरीम। या फिर मेविशाद जो हैं, वो जब कश्मीर के बारे में बात करने से मना करती हैं तो हम जल्दी जल्दी उन्हें अमन का सफ़ीर बना देते हैं पाकिस्तान में। या फिर नीलम मुनीर को देख लें कि वो एक ऐसे आइटम सॉन्ग के ऊपर डांस करती हैं जिसके अंदर इंडिया का नाम आता है, और चूँकि आजकल हमारे हालात ऐसे हैं, वरना मुझे कोई एतराज़ नहीं इंडिया का नाम आने पर, और वो कहती हैं कि मैंने ISPR के कहने पर ऐसा किया। तो आई मीन, हमारे साथ क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इदारों को, हमारी गवर्नमेंट को इस तरह की न्यूज़ को देखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर देर आर ब्लैक शीप अमंगस्ट यू पीपल, तो प्लीज़ उन्हें रोक लें, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है वो मजाक उड़ा रहा है और मेरा दिल दुखता है। कुछ दिन पहले मैं अपने एक कॉन्सर्ट के ऊपर थी, और वहाँ पर आई वॉज़ लाइव ऑन माई पेज, और मेरी एडमिन ने एक पिक्चर पोस्ट कर दी मेरी सुसाइड बॉम्ब के साथ, जिसका मकसद वो नहीं था, बट उसने मोदी को लेकर एक मैसेज सा दिया, जो कि मेरा ख्याल देना बनता भी है। उसके बाद पूरा इंडियन मीडिया जो था वो पागल हो गया। और इंडियन मीडिया के बारे में मैं बताऊं कि देर वॉज़ अ टाइम एन आई यूज़ टू से केयर, मीडिया सबके ठीक होते, सच बोलते, और मुझे नहीं लगता था कि वाकई इतना झूठा इंडियन मीडिया होगा। आई डिडंट नो दैट, बिकॉज बाकी बातें तो एक तरफ हैं। जब उन्होंने बोला ना कि मेरी पुरानी मोदी को जो वीडियो गई हुई थी, वो जो राबी के सांप थे, वो बाद में पता चला वो रबर के सांप थे, वो एक खातून बोल रही थी, बल्कि एक खातून के हर चैनल के ऊपर ही आ रहा था। तो मुझे बहुत हंसी आई, मैंने कहा एक तरफ तो इंडिया ये चला रहा है कि राबी ने मोदी को थ्रेट किया तो उसको वाइल्ड लाइफ ने उसके ऊपर केस कर दिया, दूसरी तरफ वो सांप रबर के थे। तो इंडियन मीडिया कुछ ऐसा है कि वो अपनी ही बातों में फंसा जाता है, और इसीलिए आई थिंक इंडिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं हैं। बट अगेन, मैं पूरे इंडिया को बुरा नहीं कहती, मैं ज़िंदगी में कभी भी किसी मुल्क को या किसी कौम को बुरा नहीं कहती, लेकिन मुझे इंडिया का दुख नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया के तो लोगों का काम ही है, जो इनका मीडिया है उन्होंने तो झूठ ही बोला। मुझे दुख पाकिस्तानी कुछ लोगों का हुआ जिन्होंने इसके ऊपर बात की, मुझे वाकई बहुत दुख हुआ। आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में कश्मीरी स्ट्रगल माइनस राबी पीरजादा, आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, इज नॉट आई थिंक समथिंग जिसके बारे में हम बात करें। आप मुझे एक बात बताएं कि मुझे इन बातों से, मुझे मोदी को धमकी देकर या कश्मीर की हर जगह पर बात करके, मुझे भी लोग मना करते हैं, लेकिन मैं उनको ये की जवाब देती हूँ कि देखिए, मैं कश्मीर की बेटी हूँ, आपने मुझे यहाँ पे कॉन्सर्ट के लिए बुलाया, आपने मुझे पैसे दिए हैं, वो आप वापस ले लें, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे कश्मीर के बारे में बात करनी है। ना मुझे तमगा इम्तियाज़ मिलना है, ना मुझे कोई ISPR की मूवी में कोई बड़े बजट का सॉन्ग मिलना है, ना मुझे किसी बड़े ऑफिस में या किसी वज़ीर आज़म के पास मुझे उनसे मुलाकात का मौका मिलना है, मुझे ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उल्टा मुझे नुकसान है। क्योंकि आपके सारे आर्टिस्ट वाया इंडिया हिट होते हैं, आप आतिफ असलम को ले लें, आप राहत फ़तेह अली खान साहब को ले लें, आप किसी और का भी नाम ले लें, दे आर ऑलवेज़ वाया इंडिया आप जो बड़े आर्टिस्ट हमारे बनते हैं। तो मुझे इन अ वे इंडिया के दरवाजे क्लोज करके नुकसान है। उसके बावजूद मैं बात इसलिए करती हूँ, लेट मी टेल यू, कि मेरे घर में भी कोई खुश नहीं है। मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते हैं, वो मुझे कहते हैं कि आपको अपनी सिक्योरिटी का एहसास नहीं है, आप इस तरह की हरकतें करती हैं, हमारी पूरी फैमिली के ऊपर बात आ सकती है, वी कैन गेट इनसिक्योर, आई नो एवरीथिंग, बट अगेन मैं हमेशा ये सिर्फ बातें इसलिए करती हूँ बिकॉज मुझे अगर लोग मुझे सुनते हैं, अगर इंडिया तक ये मैसेज जाता है कि वी हेट मोदी, इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ने जो इतना 3 महीने से बड़ा कर्फ्यू लगा दिया, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है टाइम गेन करना। आप एक चीज़ को लगा दो यार कि ये चीज़ ऐसे ही है, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाती है। मुझे हर उस दिन का एहसास है जब कश्मीर के बच्चों को खुराक नहीं पहुंच रही, 3 महीने तक कोई कितना जखीरा कर लेगा, दवाइयाँ नहीं पहुँच रही, कौन सी बीमारी है किसी को क्या पता, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, बट इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। इंडिया पूरा का पूरा जो मीडिया है वो इस बात पे बोल रहा था कि आपने सुसाइड जैकेट पहन के मोदी को धमकी क्यों दी। और भाई, तुम्हें क्या वो लोग नजर नहीं आते? क्या तुम्हें वो कश्मीरी नजर नहीं आते जिनके पास इस वक्त ना कोई मीडिया है, ना कोई इंटरनेट है, ना कोई टेलीफोन की सहूलत है, ना उनके पास कोई बाहर जाने की कोई आज़ादी है? आर यू इंसेन? क्या आप अपने आप को इंसान कहते हैं? छोड़े हिंदू और मुस्लिम को, मुझे बता दें, आप जर्नलिज्म में हैं, आप मुझे बताएं कि क्या आप जम्मू कश्मीर में जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं? आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? और जितने पाकिस्तानी जो हैं वो कह रहे हैं हाँ जी राबी ने तो ये इमेज कर दिया, आपके सामने कश्मीरियों के ऊपर जुल्म की इंतहा हो गई है, और आप कुछ कर ले, आपने मुझ पर एक वाइल्ड लाइफ का केस किया था, एक और केस कर लें, दहशतगर्दी का केस कर लें, मैं केसेस से नहीं डरती हूँ, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि कश्मीर की आवाज़ जो है वो बुलंद हो। एंड ट्रस्ट मी, चाहे वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों का जब मजाक उड़ाया था तो पूरे ट्विटर के ऊपर, बल्कि इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में आई वॉज द ओनली पर्सन हु स्पोक अबाउट इट। मुझे आगे बहुत प्रॉब्लम्स हुई, उन्होंने मुझे धमकियाँ दी, मुझे बैन किया, बट दैट डजंट मैटर,
बिकॉज सच का साथ देना चाहिए। और मैं तो सीधी साफ सीधी, मेरी ज़िंदगी है, साफ सुथरी मेरी लाइफ है, जिसने आके मुझे इन्वेस्टिगेट करना कर ले, मेरा अल्लाह माफ़ करे। मेरे पास ना तो कोई दोस्त है बड़े बड़े, ना मेरे पास कोई ऐसे नाम है जो मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे, मेरी तो आम सी ज़िंदगी है। आप आएँ, आप आके मुझे इन्वेस्टिगेट करें, मेरी ज़िंदगी में एक गलत चीज़ बता दें मुझे, तो आई विल एग्री कि यार हाँ आप ठीक कह रहे हैं। अदरवाइज़ आप प्लीज़ मेरी बात सुने। पाकिस्तानियों, मैं इमरान खान साहब को बहुत सपोर्ट करती हूँ। मैंने उनके दरमियान में जो नज़में और गज़लें गाई जिन पर आपको बड़ा अफसोस हुआ, वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं थी, वो उनके वादों के बारे में थी, उनकी टीम के बारे में थी। लेकिन देखें, जब तक डिलीवर नहीं होगा, चाहे वो मेरा सगा भाई या मेरे अब्बू ही प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, अगर वो आम आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे तो मैं बात करूँगी। यू हैव टू नो दैट। और रही बात इससे, मुझे सिंगिंग करियर में इसका फ़ायदा नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि कोई पार्टी होती है वो पीटीआई की होती है, कोई नून लीग के सपोर्टर्स होते हैं, मैं तो हर पार्टी के बारे में बात करती हूँ, खिलाफ भी बात करती हूँ, फेवर में भी बात करती हूँ, मकसद मेरा पाकिस्तान के लिए बात करना होता है। और अगर मैं मोदी को थ्रेट करती हूँ तो मैं इंडिया को थ्रेट नहीं करती। बड़े पाकिस्तानी मुझसे नाराज़ हो जाते हैं कि जी आप तो इंडियंस को हमेशा कहती हैं आपको तो इंडिया से बड़ा प्यार है, आपको तो इंडिया के लोगों से बड़ा प्यार है। उसकी वजह यह है कि मुझे हर इंसान से प्यार है, मुझे मोदी से सख्त नफरत है, और फॉर दैट मैटर बिकॉज जो कुछ वो कर रहा है, बेसिक ह्यूमन नीड से आप खुद जो है वो लोगों को अलग कर रहे हो। आप क्या चाहते हो? डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन निकलेगी, आप कश्मीरियों को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। आप कभी भी ये जंग जो है वो जोर आजमाई से नहीं जीत सकते। अभी लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ है कि जी बड़ा खून बहेगा, बड़ा वो क्यों बहेगा यार, आप बात करो। कब तक? कहते हैं पत्थर के ऊपर भी पानी पड़े ना तो वो भी पिघल जाता है। आप कश्मीर के बारे में बात करने ही छोड़ देते हो। आप कभी अवार्ड्स के ऊपर चले जाते हो, कभी आप फिल्मों के ऊपर चले जाते हो, कभी आप, मैं कॉन्सर्ट्स करती हूँ, आई अग्री, मैं इसलिए कॉन्सर्ट्स करती हूँ क्योंकि मैंने 37 बच्चों को पढ़ाना होता है, मैं इसलिए कॉन्सर्ट्स करती हूँ क्योंकि मैंने 25 खानदानों को राशन देना होता है, मैं इसलिए कॉन्सर्ट्स करती हूँ क्योंकि कल कोई आ जाए कि मेरी बच्ची का ऑपरेशन है या मुझे मेरी माँ का कोई मसला है तो मैंने उनकी हेल्प करनी होती है। मैं इस तरह की बातें पहले इसलिए नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि नेकी कर दरिया में डाल, आप लोगों को बता के क्या मिलना है। लेकिन अब मुझे बातें करनी पड़ रही हैं बिकॉज आप लोगों के हीरोज कौन बन रहे हैं, आपकी हीरोइंस कौन बन रही हैं। आर यू इनसेन? मुझे पाकिस्तान में वायरल होने के लिए क्या चाहिए? मैं एक आइटम सॉन्ग कर दूं, या मैं एक कोई गलत किस्म की कोई बात कर दूं, या मैं कोई एक किसी के साथ अफेयर अपना मशहूर कर दूं, नेगेटिव पब्लिसिटी, और आपका एकदम से वो जो खातून है या वो जो बंदा है वो एक हीरो बन जाता है। प्लीज़ अपने आप को बदलें, खुदारा सिर्फ बातों से नहीं होता। बातें तो मैंने आपकी देख ली, मैंने आपको एक दफ़ा मैंने चैरिटी के लिए एक साहब को बुलाया, उनकी बच्ची के साथ प्रॉब्लम थी, और वो भी इसलिए बुलाया क्योंकि उस दिन मैंने उस वीक पे मेरे जो कॉन्सर्ट्स थे वो किसी की शादी पर लग गए थे, तो मैंने आप लोगों से कहा, रिक्वेस्ट की कि यार आप कर दें, आपका करेक्टर खुल के मेरे सामने आ गया, सवाए एक भावलपुर के साहब ने जिन्होंने उनको 18,000 रुपये भिजवाए, किसी ने उनकी मदद नहीं की। तो आप तो ये, आप लोग जो है ना वो सिर्फ कागज़ी शेर हैं, सिर्फ फेसबुक के, ट्विटर के, इंस्टाग्राम के शेर हैं, प्रैक्टिकली आप जीरो हैं। अगर कोई कुछ कर रहा है तो प्लीज़ उसकी सपोर्ट करें। और इसके साथ ही टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसे लोगों को भी बोलूँगी जो मुझे सपोर्ट करते हैं। ख्वातीन जो है वो ख्वातीन के बारे में यूजुअली नेगेटिव बोलती हैं, तो ऐसी ख्वातीन, ऐसी लड़कियाँ, ऐसी माएँ, ऐसी बहनें जो मुझे सपोर्ट करती हैं ना, आप यकीन करें मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है। मैं कहती हूँ चलो राबी एक अकेली नहीं है, दुनिया में बहुत सारी राबी हैं, लेकिन प्लीज़ फ़र्क को पहचानें। महविश हयात, हरीम, आई थिंक यही इनका नाम था, नीलम मुनीर और रावी पीरजादा, मैं क्या कर रही हूँ यार? कुछ खुदा का खौफ करें, जान आपने भी देनी है, मैंने भी देनी है। अगर कोई इंसान एक अच्छा काम कर रहा है, आप लोग कहते हैं जी पाकिस्तान का इमेज जो है वो ऐसा हो गया, पाकिस्तान का इमेज नहीं ऐसा हो गया, मोदी का ऐसा हो गया। दुनिया ने सोचा कि यार मोदी को ऐसी थ्रेट्स क्यों मिल रही हैं, वाई मोदी इज बींग क्वेश्चन लाइक दैट। ट्रस्ट मी, मैंने भी मर जाना है, मोदी ने भी मर जाना है, इतना जुल्म करेगा, उन कश्मीरियों ने भी मर जाना है, आपने भी मर जाना है, हम सब ने मर जाना है। हम इस बात को याद रखें, सच का साथ दें, एनी चीप पब्लिसिटी के लिए बुरे कमेंट्स ना करें, क्योंकि मेरा जो सोशल मीडिया ना वो इंडिया देखता है, और जब मैं अकेली खड़ी हुई इंडिया से लड़ रही होती हूँ ना, इंडिया के लोग तो मिल के मुझे गालियाँ देते हैं, जो भी मोदी के जो भी रिश्तेदार हैं, यार हैं, दोस्त हैं, लेकिन जब मुझे पाकिस्तान से कोई बुरा कहता है ना, तो यकीन करें दिल टूट जाता है। और एज़ ऑलवेज़ इंशाल्लाह कश्मीरियों, मैं आपके साथ हूँ, कोई हो ना हो सब